Very good evening, everyone. My name is Shubham Singhania, and in this particular lecture, we are going to discuss another 5 questions from the subject of marketing management for your ESIC deputy director position. I hope that your preparation is very good and you must be practicing a lot of questions for marketing. So, in this session, we will discuss 5 questions again. And I will not just tell you the questions and answers, rather, we will be discussing the concepts also so that you have 100% clarity in the concepts. So without wasting any further time, let's quickly begin. And if you're coming here for the very first time, do subscribe to the channel and do join the Telegram group. ताकि अगर आपके दिमाग में कोई doubt भी है, तो वो भी आप वहाँ पे पूछ सकें. ठीक है? Now let's move to the first question straight away. पहला question देख लेते हैं. Dash Concept believes that the market or consumers would absorb anything that would be produced by a manufacturer. अब मैं उम्मीद करता हूं कि क्योंकि आपने इतने सारे कंसेप्ट इतने सारे सेशन देख लिए हैं, यू मस्ट हैव कंप्लीटेड योर ऑलमोस्ट सिलेबस ऑफ मार्केटिंग. तो नाउ विदाउट गोइंग टू अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक, हम इन क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं. ठीक है? तो ये पहला क्वेश्चन है कि कौन सा कंसेप्ट ऐसा बिलीव करता है दैट व्हाटएवर इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड इन द मार्केट, जो भी आप मार्केट में डालेंगे, जो भी प्रोडक्ट आप मार्केट में प्रोवाइड करेंगे, सप्लाई करेंगे इन अ वेरी सिंपल सेंस, इज गोइंग टू बी कंज्यूम्ड by the customers. ये आपको बताना है, concepts identify करने. Is it the production concept? Is it the product concept? Is it marketing? Or is it selling concept? The question is from various approaches or various concepts of marketing. जल्दी से इसका जवाब मुझे comment section में comment करके दे दीजिए, and I believe आपने दे दिया होगा. एक बार जल्दी से इन चारों को revise कर लेते हैं. Product concept is all about the quality as well as features. आपकी प्रोडक्ट की जितनी अच्छी क्वालिटी होगी, जितने अच्छे फीचर्स होंगे उसके अंदर, फॉर एग्जांपल आप जब मोबाइल खरीदने जाते हैं या आप लैपटॉप खरीदने जाते हैं, सो वी ऑलवेज टेक दिस इनटू कंसीडरेशन कि उसकी क्या क्या फीचर्स हैं, एंड जो फीचर्स आपको सबसे ज्यादा कंपैटिबल लगते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं. सो दिस कंसेप्ट बेसिकली सेज दैट द प्रोडक्ट फीचर्स एंड क्वालिटी इज गोइंग टू बी अ मेजर डिटर्मिनेंट इन ऑर्डर टू एनहांस द सेल्स. ठीक है? मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहता है, इट इज अ वेरी what you say a very conventional or a very modern kind of a approach there, which says ki the customers is focused upon satisfaction. Aapko customer ke satisfaction ke bare mein sochna hai, uske needs ke bare mein sochna hai, and agar aap apne products ko aise banate hain, for example if I talk about laptop, generally ab jab aap laptop khareedne jaate hain to aap uske andar काफी सारे कस्टमाइज्ड फीचर्स डलवाते हैं, जो भी आपको चाहिए होता है, जो भी आपको रैम चाहिए, जिस तरीके की भी आपको कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, वो सारी चीज़ें आप बता देते हैं, एंड द कंपनी ट्राइज कि वो आपको उसी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर या जो भी बेस्ट पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन है एज पर योर रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट डिलीवर किया जाए. ठीक है? सो दैट इज व्हाट मार्केटिंग इज ऑल अबाउट, दैट द कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द मेजर एम इन दिस पर्टिकुलर अप्रोच और कंसेप्ट. ठीक है? एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज सेलिंग. ये कंसेप्ट किस चीज पे फोकस करता है, दैट द मोर यू प्रोमोट योर प्रोडक्ट, जितना ज्यादा आप प्रोमोशन करेंगे, एग्रेसिव प्रमोशन रादर आई शुड से, जितना ज्यादा आप एग्रेसिव प्रमोशन करेंगे उतना ही लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलेगी, अवेयरनेस मिलेगी, एंड दे आर गोइंग टू परचेज द प्रोडक्ट. कई बार ऐसा होता है कि हमें प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ही नहीं होती है, बट वेन वी सी द एडवर्टाइजमेंट, वेन वी सी द एडवर्टाइजमेंट ऑन सोशल मीडियाज या फिर बिलबोर्ड्स पे देखते हैं ट्रैफिक में रोड पे जाते टाइम, देन वी गेट अवेयर अबाउट इट एंड देन वी गो फॉर द परचेज. ठीक है? तो ये एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. द प्रोडक्शन कंसेप्ट सेज दैट व्हाटएवर इज going to be produced, whatever is going to be supplied to the market is going to be consumed. So, this is the most primitive concept of approach to marketing hai, because initially products were not there. For instance, when the first time mobile phones came, at that time, no one knew mobile phones about mobile phones, there was no knowledge, there were no substitutes available. So, when there are no substitutes available, hai, you do not have alternatives, so how can you make a choice? तो उस टाइम पे आप चॉइस क्योंकि नहीं ले सकते थे, तो वॉट एवर वॉज बींग अवेलेबल, जो भी पहला फोन आया मार्केट में, जो भी पहले ब्रांड का फोन आया, जो भी लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल थे, आपने उसमें से कंजम्पशन करना शुरू कर दिया, एंड वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाते थे बिकॉज दे वर लेस इन सप्लाई. ठीक है? सो देयरफॉर द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ए, प्रोडक्शन. आई होप आपको प्रोडक्शन के साथ साथ चारों कंसेप्ट भी क्लियर हो गए हैं. परफेक्ट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं. Classifying customers into frequent users, जो बहुत जल्दी जल्दी यूज करते हैं प्रोडक्ट्स को, frequent users, occasional users and non-users is a part of dash segmentation. Now, I believe that you have understood the concept of segmentation, जहां पे हम पूरे मार्केट को छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं.
Now, why are we doing it? Because किसी भी marketer के लिए, किसी भी company के लिए ये possible नहीं होता है कि वो all together सारी जनता को target कर सके, because then it will not be able to manufacture or customize a product as per their requirement. For example, अगर मैं बात करूँ mobile phones की, तो जो professionals होते हैं, जो business phones use करते हैं, उनकी requirement अलग होती है as compared to a teenager. ठीक है, so it's important कि आप उसके according features डालें. For example, जो एक professional होगा, जो एक बिजनेस क्लास पर्सन होगा, जो सर्विस क्लास पर्सन होगा, ही वुड एक्सपेक्ट अ फोन टू बी वेरी वर्सेटाइल इन टर्म्स ऑफ डूइंग वर्क, कि उसके मल्टीपल फंक्शंस हो जिससे वो काम कर सके, उसी पे ईमेल भी चला सके, उस पर कोई भी प्रॉब्लम ना, उस पर वो अच्छे से मीटिंग्स भी कंडक्ट कर सके, एंड सो ऑन. व्हेयरएज जो टीनेजर होगा, हिज फोकस विल बी मोर ऑन कि ग्लैमरस फोन होना चाहिए, स्टाइलिश फोन होना चाहिए, दिखने में अच्छा होना चाहिए, कैमरा बहुत जबरदस्त होना चाहिए. दीज आर गोइंग टू बी द एलिमेंट्स दैट विल बी डिजायर्ड बाय हिम. तो सेगमेंटेशन करना बहुत जरूरी है ताकि आप उस पर्टिकुलर सेगमेंट पे फोकस कर सके इंटायरली एंड उस सेगमेंट के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सके. ठीक है, सो दैट इज व्हाट द कांसेप्ट ऑफ सेगमेंटेशन इज ऑल अबाउट. हमने इसको पहले भी डिस्कस किया है. यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है कि अगर हम क्लासिफाई कर दें फ्रीक्वेंट यूजर्स, जो बहुत जल्दी जल्दी यूजर्स हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली हमारे पास आते हैं, ओकेजनल यूजर्स कभी कभी आते हैं, और नॉन यूजर्स जिन्होंने आज तक हमारा कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदा है. ठीक है, अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ. जब आप कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, तो आपका मोबाइल नंबर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जरूर मांगते हैं. क्यों? इससे उन्हें यह पता चल जाता है कि क्या आप उनके पुराने कस्टमर हैं और यू आर कमिंग टू देम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो उनको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से पता चल जाता है. ठीक है, सो नाउ बेस्ड ऑन दिस वी हैव टू डिफाइन कि किस टाइप का क्लासिफिकेशन है ये, किस टाइप का सेगमेंटेशन है ये. इज इट अ बिहेवियरल सेगमेंटेशन, इज इट अ साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, इज इट डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, और इज इट ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन. ठीक है, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. आई बिलीव आपने कमेंट सेक्शन में आंसर लिखने शुरू कर दिए होंगे. आई हैव स्टार्टेड गेटिंग द आंसर्स. अब ज्योग्राफिकल का क्या मतलब है? जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज से डिवाइड किया गया. फॉर एग्जांपल, मैंने दिल्ली को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली एंड साउथ दिल्ली. ठीक है, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल के लिए ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में डिवाइड कर दिया, तो ताकि इट बिकम्स ईजियर फॉर द कंपनी टू मैनेज. चार अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करके, चार डायरेक्शंस में डिवाइड कर दिया, चार ज्योग्राफिकल लोकेशंस में डिवाइड कर दिया, और वहां पे हेडक्वार्टर्स बना दिया. दैट कुड बी एन इजी वे टू डू दैट. डेमोग्राफिक इज जब आप एज के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे, और इन पैरामीटर्स के बेसिस पे सेगमेंटेशन करते हैं, तो हम उसको डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन कहते हैं. साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन का क्या मतलब है? जो आपकी साइकोलॉजिकल क्वालिटी से रिलेट करता है. फॉर एग्जाम्पल, लाइफ स्टाइल. नाउ अ लाइफ स्टाइल ऑफ एन इंडिविजुअल इज गोइंग टू वेरी based on a lot of parameter. Unke life mein experiences kaise rahe hain, what is their family background, what is their perception towards life, unki personality kya hai, unka viewpoint kya hai, all of these things are going to be part of psychographic segmentation. For example, agar koi aapke paas aisa customer aata hai who is very money minded, jisse baat karke jo sales person hai usko realize ho jata hai that this person has a personality that he look towards the price. Theek hai, whereas ek dusra customer aata hai who says मुझे प्राइस से कोई मतलब नहीं है, क्या प्राइस है, मुझे सबसे स्टाइलिश कार चाहिए, सबसे स्टाइलिश बाइक चाहिए जो आपके शोरूम में पड़ी हुई है. नाउ हियर द सेल्स पर्सन इज आइडेंटिफाइंग बेस्ड ऑन द साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक. तो ये सारे एलिमेंट जो है ये हमारे साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन का पार्ट बन जाते हैं. बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, उसका बिहेवियर कैसा है, इज ही कमिंग टू अस रेगुलरली, बार बार आप जाके एप्पल का ही प्रोडक्ट खरीदते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो मोबाइल फोन हो, और सम अदर आइटम. ठीक है, और यू आर एन ओकेजनल बायर, कभी साल में, दो साल में आ जाते हैं आप, या फिर आप पहली बार आ रहे हैं. ठीक है, सो दिस डिफाइंस द बिहेवियर ऑफ अ कस्टमर. ठीक है, सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी बिहेवियरल सेगमेंटेशन, एंड ए और वन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. आई होप दिस इज 100% क्लियर टू यू. चारों टाइप के सेगमेंटेशन आपको 100% क्लियर हो जाना चाहिए. ठीक है, लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं. द इंटरमीडियट इज दैट फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग to the point of distribution are known as dash. वो intermediary जो किसी भी goods को एक point of manufacture से लेके point of distribution तक लेके जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? What are they called? A comparatively easier question. Is it retailers? Is it commission agents? Is it your wholesalers? Or is it distribution channels? ठीक है, very basic question. इनके बिना कोई भी product deliver नहीं हो सकता है. You cannot get the product. ठीक है, because ऑफकोर्स ही बात है कि मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन यूनिट वहां पे होगा जहां पे रॉ मटेरियल्स इजिली अवेलेबल हैं और जहां पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्शन. और जो मार्केट होगा या फिर जहां पे एक्चुअल कंजम्पशन होना है
that is going to vary. So you will need these people, and these intermediaries are collectively known as, because humse kuch specific nahi pucha hua hai question mein ki aap zyada quantity sell karte hain, kam quantity sell karte hain, commission pe sell karte hain, ya as a mediator act karte hain. Wholesome, ek holistic question pucha gaya hai, that what are they called, what are these intermediaries called. Theek hai, to hamara jo answer ho jayega, that's going to be D, distribution channel. I hope aapne comment section mein, chat box mein likh diya hoga. चलो वंडरफुल, आई होप दिस इज क्लियर. वेरी इजी क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन. चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं. द एन एडवर्टाइजमेंट फॉर सेफ लॉकर्स. लॉकर्स आप परचेज कर रहे हैं, आई एम श्योर वी ऑल नीड सेफ्टी फॉर आर हार्ड अर्न मनी एंड अ लॉट ऑफ ज्वेलरी एंड वेरियस अदर प्रेशियस आइटम्स. तो जो आप सेफ लॉकर परचेज कर रहे हैं फॉर प्रोटेक्टिंग वन्स बिलोंगिंग फ्रॉम थीव्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश पोजिशनिंग. कौन सी टाइप की पोजिशनिंग यहाँ पे यूज की जा रही है, वॉट काइंड ऑफ पोजिशनिंग यू आर डूइंग हियर. Is it intelligence positioning? Based on your intelligence, based on your smart aptitude, you are going for the safe locker. Ye spirituality se related hai. Is it something related to spiritual? Is it emotional or is it technological? Bahut hi, innovative, or what you can say, a very analytical kind of a question, jahan pe question is going to test you that whether you are clear with the concept ki aapne sirf cheezon ko upar se padh liya. Theek hai? So, सेफ लॉकर्स हैं पहली चीज. तो अब why think it like this कि आप कोई भी इंसान सेफ लॉकर क्यों लगाता है, बिकॉज ही हैज दिस इमोशनल कनेक्ट विद हिज बिलोंगिंग्स. ऑफकोर्स बिकॉज हार्ड अर्न मनी है, कमाया हुआ है, मेहनत के पैसे से वो चीज परचेज की हुई है, एंड ही हैज अ इमोशन देयर. एक इमोशन उसको ड्राइव कर रहा है, वो इमोशन क्या है, सेफ्टी का, सो दैट ही कैन फील सेफ कि उसका जो सामान है, अगर उसने एक अच्छा सा सेफ्टी लॉक लगा लिया, एक अच्छी क्वालिटी का सेफ्टी लॉक लगा लिया, तो उसका जो सामान है, जो उसकी बिलोंगिंग्स हैं, वो काफी हद तक सिक्योर हो जाएंगे. ऑफकोर्स जैसे कहते नहीं, चोर तो ताला तोड़ के ले ही जाते हैं अगर उनको ले जाना होता है, बट स्टिल एटलीस्ट अपनी मन की तसल्ली के लिए, मन की शांति के लिए आप एक सेफ लॉकर लगाते हैं ताकि आप इमोशनली सेटिस्फाइड रहें. ऑफकोर्स काफी सारे लोग कहेंगे कि ये इंटेलिजेंट एक्ट है. इंटेलिजेंट एक्ट है, बट ये जुड़ा हुआ, इसका जो जुड़ाव है सेफ्टी लॉक का, वो आपके इमोशन से, बिकॉज यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट योर बिलोंगिंग्स, प्रोटेक्शन से रिलेटेड है. ठीक है, तो इसलिए ये इमोशनल का पार्ट बन जाएगा, एंड देयरफॉर द आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी सी. इट इज नाइदर ए, नाइदर डी, नाइदर बी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन क्लियरली. परफेक्ट, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन. आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन फॉर टुडे. Once a product is introduced in the market, एक बार आपने कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिया, मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है, a manufacturer should adopt dash approach to distribution. Now we have read various approaches to distribution, intensive, selective and extensive. तीनों distribution हमने डिटेल में पढ़े हैं. आपको बताना है कि अगर एक बार एक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो गया, then what is going to be the kind of distribution that shall be used. Intensive use करेंगे, जहां पे आप कोशिश करते हैं to reach मास मार्केट. ठीक है, मतलब जितने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स आप रख सकते हैं उतने ज्यादा आपको रख लेने चाहिए. सिलेक्टिव, यू आर गोइंग टू सिलेक्ट फ्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स जिनको आप कह देते हैं कि आपको मेरा प्रोडक्ट डिलीवर करना है या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है. थर्ड, इज इट एक्सक्लूसिव, बिल्कुल सिलेक्ट कर लेते हैं एक एक्सक्लूसिवली कि सिर्फ आप ही डिलीवर करोगे, एक दो को चूज कर लेते हैं, दे आर नॉट गोना सप्लाई टू एनी वन एल्स, और इज इट डी डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट. सो दीज आर द ऑप्शंस. लेट्स सी हु गिव्स द करेक्ट आंसर. इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. ठीक है, अब यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक समझिएगा कि एक बार प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो चुका है, द प्रोडक्ट हैज ऑलरेडी बीइंग इंट्रोड्यूस्ड. तो जब आप प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, वंस यू हैव इंट्रोड्यूस्ड द प्रोडक्ट, देन व्हाट यू वांट टू टेस्ट इज कि अगर मैं कुछ सिलेक्टिव लोगों को प्रोवाइड करता हूं, अगर मैं दो से तीन डिस्ट्रीब्यूटर हर एरिया से चुन लेता हूं, वेदर इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल और नॉट. जब वो भी बेनिफिशियल नहीं होता है, जब आपको लगता है कि नहीं यार ये भी फ्रूटफुल नहीं है, देन यू गो फॉर द एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन. या फिर अगर आपको लगता है कि आप उस पर्टिकुलर एरिया में मोनोपोली रखना चाहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स की, देन यू गो फॉर द एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन. अदरवाइज जनरली एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन यूज नहीं किया जाता, बिकॉज वो आपकी मार्केट रीच को कर्टेल कर रहा है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है. ठीक है, देयरफॉर द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी बी, सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे होते तो हम इंटेंसिव यूज कर रहे होते, अगर हमें एक्सक्लूसिवली सेल करना होता तो हम एक्सक्लूसिव यूज कर रहे होते, बट क्योंकि प्रोडक्ट ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, थोड़ी बहुत टेस्टिंग हो चुकी है, इसलिए वी आर गोइंग टू यूज सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. दीज वर द फाइव क्वेश्चंस. आई होप आपको ये पांच क्वेश्चन समझ में आ गए हों. इट मस्ट बी 100% क्लियर टू यू. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन लेट मी नो इन द चैट बॉक्स बाय कमेंटिंग.
Till then, keep practicing, keep working hard, and take very good care of yourself. Bye-bye.